हेलो एवरीवन। सो अपनी आज कंपनी है कार्ट्रेड.com, कार्ट्रेड टेक लिमिटेड बोल सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है, कंपनी अपना जो आप देख पा रहे हैं वही कंपनी का काम है, कार सेल एंड बाय। चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो कंपनी का फंडामेंटल ये गया अपना, इसकी कंपनी की मार्केट कैपिटल है 2,586 करोड़, ROCE है माइनस में 5.95, ROE है -6.67। क्वार्टर रिजल्ट चले तो उसमें क्वार्टर रिजल्ट में इस बार रिजल्ट अच्छा है दिसंबर का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 21 पूरी निकली नहीं माइनस माइनस में, पूरा 21 में माइनस रिजल्ट आया है। ठीक है, 20 में सही था, 21 के स्टार्टिंग में सही था, एंड जून 22 में 3 करोड़ का, सितंबर 22 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, एंड दिसंबर 22 में 14 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपेयर विद प्रीवियस टाइम तो ये सही है, 14 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, ये किया, एंड इसके चलते हैं ईयर और ईयर प्रॉफिट प्रॉफिट्स पे। तो वो माइनस में ही है फिलहाल इस ईयर का, जो कि 3 साल के बाद आया, 19, 20, 21 में प्लस में था प्रॉफिट, माइनस में 22 में आया -121 करोड़ का। कंपनी की बैलेंस शीट में चलते हैं, बोरिंग्स क्या है कंपनी की। तो कंपनी के पास बोरिंग्स हैं 80 करोड़ की, तो मेरे को नहीं लगता कि 80 करोड़ बोरिंग्स ज़्यादा है इस कंपनी के लिए। कैश फ्लो 12 करोड़ का है, प्लस में है। इन्वेस्टर्स में देखें तो इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर्स में ऐड हो रखे हैं 72.47, जो कि दिसंबर 22 में इतने क्वांटिटी बढ़ाई है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने। दिसंबर सितंबर 22 में 21% ही थे। डोमेस्टिक ने भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डोमेस्टिक ने पहला था 5.25, अब कर दिया 5.37, पब्लिक का है 22.14। सो इसके चलते हैं चार्ट पे, तो इसका ये चार्ट है। अब ये देखो आप, ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा आप नज़र बनाओ तो स्टॉक ये लिस्टेड हुआ था, आईपीओ आया हुआ 1609 रुपये का, 1600 रुपये का आईपीओ आया हुआ तकरीबन उस टाइम पे एनएससी पे। ठीक है, ऐसा लग रहा कि ऊपर से बॉल फेंकते हैं, ऐसे स्टॉक फेंक दिया है नीचे, सीधा नीचे, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड कैंडल पकड़ते हुए नीचे आया पूरा स्टॉक डायरेक्ट नीचे। अब यहाँ पे आते, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अपना बाउंस बैक ही ले गया है यहाँ से, एंड इसमें मेरे माइंड में चीज़ क्लिक कर रही है वो ये कि देखो यहाँ से थोड़ा सा अप ले गया। ठीक है, और दोबारा फंडामेंटल पे आते हैं, और यहाँ पे देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने ना यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ज़्यादा खास इन ऐड नहीं थे, इतना खास कोई परसेंटेज नहीं था इनकी शेयर होल्डिंग का, बट यहाँ पे 72%। अगर चीज़ पॉजिटिवली निकली तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक ये घूम जाए पूरा ऊपर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे, बट उसके लिए चाहिए वो हैवी वॉल्यूम यहाँ पे नीचे, जो अपने पास फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, या यहाँ पे थोड़ा सा आगे तक इतना बड़ा वॉल्यूम दिख गया, जो रेड दिख रहा है, ये रेड वाला इस साइज का वॉल्यूम दिख जाता है, जैसे नेका छोटा मोटा चलेगा इस साइज दिख गया वॉल्यूम, तो शायद ये स्टॉक ऊपर घूम जाए अच्छी तरीके से, बट फिलहाल के लिए तो ज़्यादा श्योर कहना मुश्किल है, क्योंकि इसको देखते हुए ना दिल नहीं करेगा इसको लेने का, बाकी का देखते हैं क्या होता है। सो डन फॉर टुडे।